नमस्कार, कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत की पहली कविता हम पंछी उन्मुद गगन के व्याख्या करेंगे। हम पंछी उन्मुद गगन के कविता के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के बारे में बताया है कि हर तरह की सुख सुविधाएं मिलने पर भी, चाहे वो मानव हो या पक्षी, वह बंद नहीं रहना चाहता है, वह आज़ाद घूमना चाहता है। कवि कहते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो कविता इस प्रकार है, हम पंछी उन्मुद गगन के पिंजरा बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि हम पंछी उन्मुद गगन के अर्थात खुले आसमान में रहने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं रह पाएंगे। खुले आसमान में चाहे जिधर चाहो उड़ो, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अपनी आवाज़ से चारों दिशाओं को गूंजाने वाले पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। हम नाजुक पंख पिंजरे की तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। हम आज़ाद पंछी हैं, तुम्हारे पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली हैं कटुक निबोरियाँ कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि हम पंछी बहता जल पीने वाले हैं, चाहे तुम हमें सोने की कटोरियों में खाने को अच्छे से अच्छा दो, पर हमें तो उस कटोरी से कड़वी निबोरियाँ ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारे इस पिंजरे में रहकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अर्थात तुम्हारे इस पिंजरे में तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। खुले आसमान में तो हम तेज गति से उड़ान भरते हैं, आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। इस बंद पिंजरे में तो हम सब भूल जाएंगे, बस पेड़ों की हरी हरी खोपलें और पेड़ों की पतली पतली डालियों में बैठकर झूलना सब सपनों में ही देख रहे हैं। इस पिंजरे में बंद तो हम अपनी आज़ादी ही भूल गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि कहते हैं कि हमारे अरमान तो नीले आसमान को छूने के थे। अगर हम आज़ाद होते तो सुबह की सूरज की किरणों की लालिमा में अपनी चोंच को लाल करते और आसमान में अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कहते हैं कि खुले आसमान में जब हम उड़ान भरते हैं तो सीमाहीन क्षितिज अर्थात जहां आसमान और धरती मिलती हुई प्रतीत होती है पर मिलती नहीं है, उसके पाने की होड़ पर, उम्मीद पर हम लगातार उड़ते जाते हैं, पर आखिरकार हमारी सांसों की डोर टूटने लगती है और हम थक जाते हैं, परंतु क्षितिज तक नहीं पहुँच पाते। फिर भी हम उस क्षितिज को पाने की कोशिश में दिन भर उड़ान भरते रहते हैं। नीर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। कवि कहते हैं कि तुम चाहे हमसे नीर अर्थात घोंसला छीन लो, चाहे टहनियों का आश्रय छिन भिन कर दो, पर इस ईश्वर ने हमें ये कोमल पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। हमारी इस आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, हमें आज़ादी से उड़ने दो। इस पिंजरे से हमें आज़ाद कर दो ताकि हम खुले आसमान में उड़ सकें। इस कविता का तात्पर्य यह है, इस कविता में कवि ने पक्षी की दशा के बारे में बताया है कि वे बंद पिंजरे में नहीं रहना चाहते, वे कटोरी का पानी ना पीकर बहता जल पीना चाहते हैं, वे सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, वे सूरज की पहली किरण को महसूस करना चाहते हैं, वे क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। उनसे चाहे उनका घोंसला छीन लो, चाहे टहनियों पर उन्हें मत बैठने दो, पर उनकी आकुल उड़ान में बाधा ना डालो। धन्यवाद।